है चैनल स्ट्रीट फूड जायका में आपका स्वागत है। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? तो बताओ मैं आज क्या बनाने वाले हैं? आज बनाने वाली हूँ मैं पाए का सालन, यानी कि बकरा ईद स्पेशल। बहुत लोगों ने कमेंट किया कि आंटी पाए का सालन बनाओ, पाए का सूप बनाओ, तो इसीलिए आज हम बनाने वाले हैं पाए का पतला वाला सालन, है ना। हाँ, और सूप भी बताऊंगी मैं आपको कैसे बनता है। ठीक है, तो यार ये बहुत लोगों की डिमांड थी, तो जिसने भी डिमांड किया था ना, वो फटाफट इस रेसिपी को शेयर करना। ठीक है, चलो अब नजर मारते हैं इंग्रेडिएंट्स पे कि हमें पाए का सालन बनाने के लिए क्या क्या लेंगे। चलो, तो सबसे पहले लेंगे हम पाए, प्याज, अदरक लहसुन का पेस्ट, हरी मिर्ची, दही, कोथमीर, गरम मसाला बुक्की, पाया मसाला, यहाँ तेज पत्ता, और यहाँ हमारे खड़े गरम मसाले, बड़ी इलायची, काली मिरी, दालचीनी, थोड़ा सा सौंफ, छोटी इलायची और लौंग, और यहाँ हमारे सूखे मसाले, हल्दी, मिर्ची, धनिया, जीरा पाउडर। तो चलो शुरू करते हैं बिस्मिल्लाह करके। तो सबसे पहले मैं बता देती हूँ आपको पाए। ठीक है, तो ये मैंने पाए लाई थी, तो इसको साफ करने के लिए, ये खून निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, इसको बहुत से लोग ना बहुत मेहनत करते हैं, पानी में बॉईल करते हैं, बोलते नहीं आता है, लेकिन ये 10 मिनट का काम है। हम गैस चालू करते हैं ना, तो बस इसको अंगार के ऊपर इसी तरीके से रख देना, गैस के ऊपर अच्छे से 2 मिनट इधर 2 मिनट इधर, अच्छा तेज आंच पे रख के इसको गर्म कर लेंगे। उसके बाद हम निकाल के इसको बेलन से ऐसा ठोक लेंगे या कोई मोटी चीज से ठोक देंगे तो ये अपने आप निकल जाती है। 10 मिनट में ये पाए साफ होते हैं। ठीक है, और छुरी की मदद से इसके आगे पीछे जो बाल लगे रहते वो सब निकाल लेना, और इसको 15 मिनट आटा डाल के, अपना गेहूं की रोटी जो बना देना हम, वो गेहूं का आटा डाल के इस पे रख देना 15 मिनट। उसके बाद अच्छा मसल मसल के धोएंगे तो आपके पाए एकदम सफेद हो जाएंगे। ठीक है, अच्छी तरीके से सफा हो जाएगा, और उस तरीके से ये अक्खे नहीं पकाना। ठीक है, ये मैं आप लोगों को सिर्फ बताने के लिए अक्खे रखी हूँ, बाकी मैंने पाए के ये साइज करी हूँ 2। ठीक है ना, नहीं तो आपकी नली नहीं निकलेगी, गुद्दा नहीं निकलेगा। ठीक है, अक्खे बनाएंगे तो ये साइज के कर लेना। तो चलो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पाए को गला लेंगे। तो यहाँ पर मैंने ली हूँ 6 पाए। ठीक है, हम इसको कुकर में डाल देते हैं इस तरीके से। अब हम डालेंगे इसमें प्याज, तो यहाँ प्याज ली हूँ मैंने पूरे 300 ग्राम। पाए में ना प्याज अच्छे से डाल के ना गला लेना, बहुत मजे के पाए बनते हैं। ठीक है, लेकिन बस शर्त यह है कि प्याज अच्छे से गल जानी चाहिए। अब हम डालेंगे 1.5 चम्मच अदरक लहसुन, अब डालेंगे हम तेज पत्ता, अब डालेंगे हम इसमें खड़े गरम मसाले, मैं ये 2 दालचीनी के टुकड़े डाल रही हूँ, 10-15 काली मिरी, 2 इलायची, 4 छोटी इलायची, और ये थोड़ी सी सौंफ, और ये 2 से 3 लौंग। पाए में काली मिरी का मेन मुद्दा है, बहुत मतलब बहुत से लोग सिर्फ काली मिरी ही डाल के उसका सूप बना के पीते हैं। अब डालेंगे हम इसमें नमक, काली मिरी बिना मतलब पाया बन ही नहीं सकता। ठीक है, काली मिरी बहुत ज़रूरी है पाए के लिए। अब डालेंगे इसमें हम 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, बस। अब हम इसमें डालेंगे पानी, इसको गलाने के लिए हम इसमें 4 गिलास पानी डालेंगे ताकि हमारे पाए अच्छे से गल जाए। हमारे पाए? हमारे बकरे के पाए। हमारे पाए कहाँ से गला रहा तू अभी? पहले से गले ले। लोग सजेशन कर रहे हैं अभी पाया खाओ, और ये मेरे पाए गला रहा देखो। अब हम इसके अच्छे से हिला लेंगे पहले इस तरीके से। अब इसको ढक्कन लगा के मैं 10 सीटी पूरी कर लूंगी। 10 सीटी करने के बाद क्या होगा मालूम? मेरा सूप रेडी हो जाएगा, पाया सूप जिसको बोलते हैं। तो चलो देखते हैं अभी हमारे पाए को। मैंने 10 की जगह 15 सीटी लगा ली हूं। ठीक है, तो पाए हमारे अच्छे से गल चुके हैं, पानी आधा सूख चुका है, मतलब एक तरीके से आपका ये सूप रेडी हो गया है। ठीक है, मैं आपको बताती हूँ डाल के जरा मेरे बर्तन में। ओहो, ये एक किस्म का सूप आपका तैयार हो गया है ना? सूप।
पाया सूप, इसके अंदर मस्त एकदम कोथमीर डालिए और इसको इसी तरीके से पी लीजिए। ये पाया सूप हो गया आपका रेडी। तो देख रहे हैं आप लोग, ये पाया सूप मेरा तैयार हो गया है। ठीक है, आपको इसी तरह से अगर पाया सूप बना के पीना है तो पी सकते हैं, लेकिन हम चल रहे हैं अभी सालन के तरफ। ठीक है, ये आप लोगों को खाली दिखाने के लिए मैंने निकाली थी कि पाया सूप रेडी हो गया। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पर दही ली हूँ मैंने 100 ग्राम। अब हम सबसे पहले मसाले रेडी कर लेते हैं। मैं सब दही में ही मसाले डाल दूंगी। तो ये आधा चम्मच जो मैंने गरम मसाले बुक्की ली हूँ वो है, आधा चम्मच हल्दी बुक्की, हम एक चम्मच भर के लेंगे कश्मीरी लाल मिर्च की बुक्की, आधा चम्मच लेंगे जीरे की बुक्की और एक चम्मच भर के लेंगे हम धनिया बुक्की। ठीक है, और ये तीखी वाली लाल मिर्च की बुक्की एक चम्मच। अब हम ये सारे मसाले मिला लेंगे। अदरक लहसुन हम इसमें नहीं डालेंगे, ये अलग से डालेंगे। ठीक है, तो चलो अब हमने सालन के लिए यहाँ पे टोप चढ़ा लिए है। इसमें मैं डालूंगी 100 ग्राम इतना तेल। इसमें तेल लिमिट से ही डालना, क्योंकि पाए का भी जो तरी उसके अंदर का गुद्दा वो सब जो निकलता है वो भी चिकना होता है और तेल होता है और छिपछिपा होता है, तो बहुत ज़्यादा चिकनापन होता है पाए के सालन में। ठीक है, इसलिए तेल लिमिट में ही डालना। अब हम ये जो बचे गरम मसाले जो मैंने साइड में रखी थी ये हम डाल देंगे, काली मिरी, इलायची, लौंग और तेज़पत्ता और एक दालचीनी का टुकड़ा। ठीक है, गरम मसाला डालना या नहीं डालना, लेकिन काली मिरी ज़रूर डालना। काली मिरी पाए की जान है, अभी भी बोल रही हूँ मैं। ठीक है, अब हम इसमें ऐड करेंगे एक बड़ा चम्मच भर के अदरक लहसुन। अदरक लहसुन आप लोगों ने देखा कि मैंने इसमें भी ऐड किया है गलाने में, है ना। अब इसको मैं ज़रा एक 10-20 सेकेंड के लिए भून लेती हूँ। तो अदरक लहसुन अच्छे से मैंने भून ली हूँ। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पर मैंने जो दही में मसाले मिलाई थी ना, ये बड़े कटोरे में निकाल के मैंने अच्छे से फेंट दिए। अब हम डालेंगे ये, अब हम इसके अंदर ऐड करने वाले हैं जो मैंने पाया मसाला बताई हूँ ना आप लोगों को, फरहान का, वो एक चम्मच इसमें डालूंगी। अगर आपको डालना है तो डालिए, नहीं डालना है तो कोई बात नहीं, उसके बिना भी पाया बहुत मज़े के बनेंगे। ठीक है, लेकिन मेरे पास थे करके मैंने लेके आ गई। ये भी एक चम्मच इसमें हम डालेंगे। अब हम इसको अच्छे से भून लेंगे, दही को अच्छे से पकाए तक, मसाले को अच्छे से पकाए तक। ठीक है, तो देख रहे आप लोग, मसाला अच्छे से भून ली हूँ मैंने, दही भी अच्छे से भून ली हूँ, तेल अच्छे से मसाले ने छोड़ दिया है। ठीक है, अब हम इसमें ये जो पाया मैंने अलग करके रखी हूँ ना, आप देख रहे हैं ये जो मसाला है, ये जो ऊपर ऊपर दिख रहा है, ये सब जो प्याज डाली थी ना मैंने, वो गले हुए है। अब हम इसको मसाले में और भूनेंगे। जो प्याज दिख रही है, मसाला दिख रहा है, वो भी हम इसमें भून भून के घोट लेंगे, वो भी ख़त्म हो जाएगा। प्याज वगैरह पाए के सालन में दिखना ही नहीं चाहिए। पाए का सालन मतलब एकदम पतला शिरवा, पतले शिरवे को बोलते हैं पाए का सालन। पाए का सालन कभी गाढ़ा नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि इसको गाढ़ा बनाना भी नहीं, जितना पतला बनाएंगे उतना अच्छा है, क्योंकि ये खाते खाते ही उंगली आपकी ऐसी चिपकने लगेगी, दो निवाला खाते साथ चिपकने लगेगी। अगर आप इसको गाढ़ा कर देंगे तो आपका जी मचलाएगा, आपसे खाया नहीं जाएगा, इसके लिए ये जितना पतला बनेगा उतना ही अच्छा। अब मैं इसको 2 से 3 मिनट तक अच्छे से भूनूंगी फास्ट आंच पे। तो देख रहे हैं आप लोग, इसको 5 मिनट तक मैंने पूरा भूनी हूँ। ठीक है, मसाला भी भून गया है, प्याज भी भून गई है, सब अच्छे से गल गया है पूरी एक तरीके से देखा जाए तो। अब हम डालेंगे इसमें ये हमारा कुकर में जो हमने सूप रखे हैं ना, अब डालेंगे ये। अब हम इसके अंदर थोड़ा सा पानी डालेंगे कुकर में और जो सूप बचा है वो पूरा निकाल लेंगे। अब देखेंगे हमको कितना और पतला चाहिए, कहीं गाढ़ा तो नहीं हो रहा है सालन, क्योंकि ये जो पाए का सालन है ना, ये पका के रखने के बाद गाढ़ा हो जाता है एकदम, खाया नहीं जाता, एकदम ठीक हो जाएगा। तो इसके लिए मैं इसमें थोड़ा पानी और ऐड करूँगी, क्योंकि अभी मुझे इसको 5 से 10 मिनट पूरा बॉयल देना है। ठीक है,
अभी इसको मैं ढक के पूरा 10 मिनट तक पकने दूंगी। तो चलो देखते हैं सालन को। 10 मिनट बोल के मैंने इसको 15 मिनट बॉईल कर दी हूँ अच्छे से, और आपको बताई नहीं इसमें मैंने थोड़ी सी कोथमीर भी ऐड कर दी थी। ठीक है, मस्त सालन देखो मेरा। अगर आपको इससे ज़्यादा और पतला चाहिए या इससे ज़्यादा और गाढ़ा चाहिए तो वो आप अपने हिसाब से रख लेना। ठीक है, मेरे हिसाब से तो ये बहुत गाढ़ा सालन है, क्योंकि अभी ये गैस बंद करने के बाद आधे घंटे में और गाढ़ा हो जाएगा। अब मैं इसमें डालूंगी 2 हरी मिर्ची और डालूंगी थोड़ी सी कोथमीर और। हाँ, अब ये मेरा पाए का सालन हो गया रेडी। ठीक है, अब मैं इसको ढक के 10 मिनट के लिए छोड़ दूंगी। तो दोस्तों तैयार हो गया अपना पाए का सालन, पाया सालन, ये देखो है ना एकदम जबरदस्त। ये ना यार अम्मी किस चीज के लिए खाते हैं? पैरों के दर्द। हाँ, यानी कि जिन बूढ़े, यानी बूढ़े नहीं, क्या बोलते हैं, ज़हीफ लोग सॉरी बुजुर्ग लोग के पैरों में दर्द रहता है, तो खास करके ये वो लोगों को खाना चाहिए। हाँ, मेरे को भी तो बहुत से लोगों ने सजेशन किए थे ना, मैं बोल रही थी पैर दर्द होता है, पैर दर्द उसके। हाँ, अब मैं बता दूं इसकी कुछ कहानी। मैंने जब मेरा स्ट्रीट फूड जायका जब चैनल चालू किया था ना, तब फर्स्ट वीडियो मैंने इसका ही शूट किया था। हमारे मालवनी में मीट चौकी के पास एक शॉप है जिसे कहा जाता है, मतलब उतना पाया पाव के नाम से फेमस है वो। पाया पाव यानी कि पाए का सूप रहता है और साथ में आता है पाव, तो उन लोगों ने नाम दिया था पाया पाव, और वो सूप एक नंबर था। लेकिन क्या है ना, शूट में थोड़ा आगे पीछे अगड़म सगड़म गड़बड़ हो गई थी, तो हमने वो वीडियो डाला ही नहीं, क्योंकि एकदम स्टार्टिंग था, किसको क्या बोलने का क्या कुछ मालूम ही नहीं था। तो ऐसा है, तो आज ये सूप देख के मुझे वो दिन याद आया, पहला वीडियो किया था इसने, सबसे पहला जाके पाया पाव। आज हम खाएंगे पाया पराठा। आप ये पाया मतलब पाव के साथ खाएंगे तो मजा आएगा, क्योंकि इसका सालन एकदम रस्सेदार मस्त रहता है। ये पाया ना नान के साथ बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन मैं आज खाऊंगा पराठे के साथ पराठा। और ये पाया ना मैंने लाया है, और ये मुझे छोटा मिल गया है। यहाँ लाने के बाद मन बड़ा आया, अरे क्या तू छोटा पाया लेके आया, इतने छोटे छोटे पाए लेके आया, छोटे से बकरे के, जो कटेला है वही लाऊंगा ना। अभी अम्मी ने थोड़ी बोली थी बड़े लाना, आप लोग बड़े बकरे के पाए ले लेना, देखते हैं इसके अंदर क्या, अंदर वो जो गुद्दा बहुत कम निकलता है ना, फिर छोटे वाले पाए में ज्यादा ले लेना, 2 बकरे के ले लेना है ना। आहा, आज खाएंगे पाया। आहा, मस्त एकदम नलिया बोटे आज खाएंगे भाई, एक्चुअल वाली। बस हमें बस मिर्ची भी डाल दी मेरे, देखो इसके लिए बोला बस हमें बस। जब से सालन गिरा, जब से नहीं बोला, जैसा उसने हरी मिर्ची गिरी, बस। तो पहले तो आज अम्मी को नाम है सालन, और थोड़ा सी जो इतना बोटी टाइप या चर्बी क्या बोलते हैं इसको, जो बोटी के इसके आजू बाजू रहता है, ये मस्त रहता है ये। हाँ, ये भी खाने में बहुत टेस्ट लगता है। तो मैंने लिया है रोटी के साथ, और ये सिरवा मेरे मुंह में पानी आ रहा है, ये लो। सॉरी यार, मैंने नींबू तो डाला ही नहीं था भाई, अब मैं डालूंगा नींबू अपने खाने से भी नींबू डालेगा। हाँ हाँ, सूप में ना आप लोग भी नींबू ना डाल के ट्राई करना, खाने में मजा बड़ा आएगा। प्याज पे भी डाल नींबू। हाँ, प्याज पे ओके, ये प्याज पे भी नींबू गया। अब मैं बताता हूँ कैसा खाते ये दिख रहा है, कैसा दिख रहा है, ये होता है एक्चुअल पाया। ये पाया को लेने का बिस्मिल्ला, गला के नहीं मस्त। मैं मस्त है, मैं बोली ना जरा आप ना बड़े बकरे के पाए लेके आना, इसमें ऐसा ऐसा मस्त माला गुद्दा निकलेगा, खाने में भी टेस्ट लगेगा, ये सब बहुत मजा आ गया उसको। मजा आ गया। अभी क्या ना, मुझे ऐसा ज्यादा चबा के खाना अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैंने साइड में रख दिया। अभी मीना बाद में था, ऐसा चबा चबा के खाएंगे। ये ना हड्डी वाला भी गोल, ये कपड़े गंदे कर रहा है। सही बोलू, इसको ना हड्डी वाला गोश्त खाने ही नहीं आता। नहीं बाप, तो क्या मांस मुद्दा चाहिए, यानी कि बोटी एकदम गलावा एकदम निकला। अब मैं खाऊंगा रोटी बोटी खाएगा, हड्डी मेरे लिए रखेगा। क्या हमने कौन क्या, अम्मी मैं रख दिया, हाँ ये हड्डी खा लेना चबा के। जो भाई जिसको पसंद है वो खाओ तो अच्छा भी लगे। अब मैं निकाला, लेकिन मैं अभी रोटी के साथ खाऊंगा। सूप देखो यार, सूप ये खुड़े ना बहुत इजीली निकलता है, मैंने जैसा बताया वैसा ही निकालना। ये सूप
इंसान लेकिन ये खाता है ना पाया, खा तो लेता है लेकिन दो मिनट में ही हाथ चिपचिपाने लगते हैं, और चावल भी अगर खा लिए तो पूरे पांचों उंगली एक नंबर है। रस्ता ना रस्ता बहुत बढ़िया बना है, खा दो दो हाथ लगा के खाओ मजे है। आज देखो आप लोगों को पाए का सालन भी बता दी और पाया सूप भी बता दी, ठीक है। पाया सूप बनाने के टाइम पे लेकिन है ना काली मिर्ची ना पीस के आप ऐड कर देना उसमें, उसमें क्योंकि मिर्ची मसाले का तीखापन नहीं जाता है, काली मिर्ची की भुक्की ही जाती है पाए सूप में। अगर आप काली मिर्ची भी डाल के पकाएंगे अक्खी तो भी चलेगा, क्योंकि वो काली मिर्ची का भी पूरा अर्थ निकलता है ना, बहुत जबरदस्त बना इस तरह मस्त बना ना मेरा बेटा बोला जबरदस्त मजा आ गया। हाँ इतने शौक से खा रहा है मतलब अच्छा बना, क्योंकि इसके खाने में है नखरे है चूजी है थोड़ा एकदम, जो चीज नहीं अच्छी लगेगी ना मुंह पे मना कर देगा और सीधा बोलेगा मैंने खा लिया आधा पेट बस शुक्र है। लेकिन फिर भी सब खाता हूं मैं, खाता है लेकिन है ना जो चीज पसंद है ना उसको तारीफ कर करके खाएगा, तारीफ कर करके खाएगा। मेरे एक्सपेक्टेशन के हिसाब से बहुत मस्त बना मैं, और जो इसका रस्ता है ना रस्ता खास करके वो यार आप सिर्फ रस्ते के साथ भी खाओगे ना बहुत मजा आएगा, उम्दा लगेगा। तो इसका रस्ता ही तो मेन है। हाँ, मजा आ गया। इसके अंदर का जो भी है वो पक के वो निकल चुका है पूरा रस्ते में ही, इसका रस्ता ही मेन है। तो भाई अभी जो भी कोई बोल रहा था कि पाए की रेसिपी डालो पाया डालो या पाए का सालन, बहुत कमेंट, आप सब्सक्राइब नहीं किए लेके तो पहले तो सब्सक्राइब कर देना ठीक है, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करने का काम बनता है ठीक है, और हमारे वीडियो को लाइक कर दो, हंसी में रहो दो। तो भाई देखो इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो करो, इंस्टाग्राम की आईडी है स्ट्रीट फूड जाएगा, मैंने मेरे कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया, जाके ओपन करो और फॉलो करो ठीक है। और अगर आप ये पाए की रेसिपी ट्राई करते हो तो हमें फोटो जरूर भेजना, कहाँ भेजेंगे इंस्टाग्राम पे। चलो अब चलते हैं, ईद स्पेशल आपको पाए का सालन भी मिल गया और एडवांस में हमारी तरफ से सभी लोगों को बकरा ईद मुबारक मुबारक हो ठीक है। चलो अब चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।